चतरा में नगर परिषद द्वारा 10 कूड़ा गाड़ी खरीदी गई। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गाड़ियों को विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर 10 वार्डों में रवाना किया। मंत्री जी ने कहा कि कोविड को देखते हुए शहर में साफ सफाई के लिए यह गाड़ी वरदान साबित होगा। शहर में गाड़ी रहने से कर्मचारियों को सफाई में कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी, शहर साफ सुथरा रहेगा। इस अवसर पर नगर परिषद के सभी कर्मचारी भी उपस्थित थे। झारखंड सरकार के द्वारा चतरा के साफ सफाई के लिए नगर परिषद में 10 गाड़ियाँ, जहाँ जहाँ कूड़ा कूड़ा है, खराब है, ये गंदगी है, कुछ साफ सफाई के लिए राज्य सरकार द्वारा गाड़ी खड़े किया गया। और नगर परिषद में हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और नगर परिषद के स्पीकर साहब और तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिसके बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदर अस्पताल चतरा का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने सिविल सर्जन श्याम नंदन प्रसाद सिंह को निरीक्षण के दौरान कई सुझाव दिए, साथ ही कमियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। मंत्री ने कहा कि चतरा सदर अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है और इस दिशा में हर संभव कार्य कर रही है। सदर अस्पताल में जल्द ही 300 वाले बेड अस्पताल का निर्माण भी होगा। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। मंत्री ने लोगों से अपील किया कि सरकार के जारी सभी नियमों और निर्देशों का पालन करें। नेता अभिनेता समाज से भी कई लोग हमारे बीच नहीं रहे, इस दौर में उनके परिजनों को ईश्वर सहन शक्ति दे, मृतक के परिजनों को आत्मा शांति मिले। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात किए हैं कि उनके परिजनों को सहायता के रूप में कुछ न कुछ सहयोग किया जाएगा, क्योंकि उनको छोटे छोटे बाल बच्चा होंगे, उनका भी शिक्षा दिशा जरूरत है। कि सरकार हर विषय पर निगरानी से माननीय मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, और जिस तरह झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, खासकर COVID-19 लेकर के, क्योंकि ये जोर शोर से टीका अभियान चल रहा है। बहुत लोग अफवाह फैला दिया गया टीका नहीं लेना है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत लोग भड़क रहे हैं। हम लोग लगातार एक सप्ताह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि सभी लोग टीका लीजिए।